So the chapter is chapter number 6, triangles. And in today's class, we are just going to see two theorems, that is theorem 6.1 and theorem 6.2. तो थियरम 6.1 समझने से पहले आई वॉन्ट कि आप लोग कुछ मुझे आंसर दे छोटे छोटे क्वेश्चन का. सो बी रेडी एवरी वन. द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. अगर ये मैं लेता हूं मेरा एक ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? Can anyone tell me what will be the area of this triangle ABC? How to find half, this area? Half base into height. Half into base into height. What is base? BC. What is the height? AD. Height यहाँ पे है नहीं, आपको construct करना पड़ेगा. तो ये मैंने draw कर दिया है perpendicular. This is the height. तो ये आ गया यहाँ पे AD. Okay. एक और मैं triangle ले रहा हूँ. ध्यान से देखिएगा. Now the triangle is like this. इस ट्रायंगल को मैं डिनोट कर रहा हूं बाय ए सी ई. कैन एनीवन टेल मी द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई सेम हाफ बेस इनटू हाइट. हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ तो लिख दिया मैंने. व्हाट इज द बेस ओवर हियर? ए. व्हाट इज द बेस ओवर हियर? सी ई. सी ई. तो सी अगर बेस ले रहे हैं, हाइट क्या होगा? आउटसाइड द ट्रायंगल एडी. आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा. देखिए ट्रायंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड ट्रायंगल के एक्सटीरियर रीजन पे लाई करेगा. तो वर्टेक्स ए से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और यहां से इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एंड लेट्स नेम दिस पॉइंट एज डी. एक चीज याद रखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड हमेशा ट्रायंगल के बाहर होता है, ट्रायंगल के अंदर नहीं. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड विल लाई इन द इंटीरियर रीजन, एंड इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल द एल्टीट्यूड विल लाई इन द एक्सटीरियर रीजन. तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ सीई इनटू ए डी. राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कहां होता है? सर एक साइड होती है. इट्स वन साइड इज ओनली नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. तो राइट एंगल तो अलग ही है, उसको अभी फिलहाल हम साइड में रख देते हैं. बात हम कर रहे हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल की एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की. एक्यूट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड विल लाई इन द इंटीरियर रीजन, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में द एल्टीट्यूड विल लाई इन द एक्सटीरियर रीजन. ये दोनों का जो एरिया आपने लिखा है, अब मैं ये दोनों फिगर को मर्ज कर रहा हूं. ये चीज इंपॉर्टेंट है, समझिए. ये था मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल. बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपका इमेजिनेशन पावर चाहिए. विजुअलाइज कीजिएगा इन सारे फिगर्स को. ये है एक्यूट एंगल ट्रायंगल ए बी सी. ये मैंने ड्रॉ कर दिया है इसके अंदर एल्टीट्यूड. तो इस ट्रायंगल का एरिया बताइए क्या होगा? Half into AD into BC. And ये मैंने लिया obtuse angle triangle. As I said, मैं दोनों को merge करने वाला हूँ. So I have merged it, and this is my another triangle, that is ACE. देखिए क्या ये triangle obtuse angle triangle है? Yes, sir. इस triangle का area आप बताइए मुझे. Half into C into AD. बहुत ही अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. यही कंसेप्ट आपको समझना था फर्स्ट थ्योरम के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. इसका एरिया हो जाएगा हाफ बी सी इंटू ए डी. एंड सिमिलरली जब आपने दूसरे वाले ट्रायंगल दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई का एरिया ढूंढा, तो ये था हाफ इंटू सी ई इंटू ए डी. ये दो चीज में अगर किसी को कुछ डाउट हो तो पूछो. यस एनीवन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस टॉपिक कि कैसे मैंने एरिया को लिखा है, पूछिए. यू जस्ट नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल दोनों में ये हाइट यानी कि एल्टीट्यूड कैसा था? कॉमन है दोनों में एल्टीट्यूड. यस सर.
इफ यू ऑल आर क्लियर विद दिस, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद मैं आपको थियरम पे लेके जाऊंगा. सो ऐसा ही मैं एक फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ कर रहा हूँ अब मैं, ताकि आप लोग थोड़ा इसको इमेजिन कर सको एंड यू कैन टेल मी द एरिया. दिस इज ट्रायंगल ए बी सी एंड दिस इज डी. ये है एल्टीट्यूड सीई. ओके, ट्रायंगल अब मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया है जानबूझ के, ताकि आप लोग थोड़ा इमेजिन कर सको. अब मुझे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बताइए. हाफ ए बी इंटू सीई. परफेक्ट. टेल मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी. हाफ इंटू बी डी इंटू सीई. हाफ इंटू बी डी इंटू सीई. देखिए यही फिगर को मैंने सिर्फ घुमा के इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है. अब फिगर घूमते ही कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एंड ज्योमेट्री, इट्स ऑल अबाउट रिपीटेशन. इट्स ऑल अबाउट रोटेशन ऑफ फिगर्स, रिपीटेशन ऑफ फॉर्मूलास. वही चीज है, ठीक है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस पार्ट कि अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कंबाइन हो जाता है तो उनके बीच में जो ये एल्टीट्यूड होगा ये कॉमन एल्टीट्यूड होगा. ठीक है. सो क्लियर एवरीवन कि किस तरीके से मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया का फॉर्मूला लिखा. यस सर. अब मैं आपको लेकर चलता हूं फर्स्ट थ्योरम पे. नाउ यू कैन वेरी इजीली सॉल्व दिस फर्स्ट थ्योरम. सो एवरीवन ओपन द थ्योरम 6.1, उसका स्टेटमेंट ओपन कीजिए ऑन द पेज नंबर 124. एवरीवन ओपन द पेज नंबर 124 इन योर टेक्स्ट बुक एंड सी द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम 6.1. इसका भी प्रूफ हम देखने वाले लास्ट ईयर, यानी कि आपके पहले वाले जो बैच थे उनके बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. ये वाला थ्योरम आ रही है. अब आ रही है? अगर साउंड नहीं आ रही है तो आप एक बार लीव करके वापस से ज्वाइन कीजिए. सर स्टेटमेंट कुछ समझ ही नहीं आया. पता है मेरे को, वो फर्स्ट टाइम में नहीं आएगा, समझाऊंगा मैं तब आएगा ना. पर अगर आप उसको थोड़े थोड़े पार्ट्स में ब्रेक कर दो, बट इफ यू ब्रेक द एंटायर स्टेटमेंट इन सम पार्ट्स तब आपको समझ में आने लगेगा. थ्योरम 6.1 का स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझते हैं. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो ये पहले मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं, फिर हम जो जो स्टेटमेंट्स पढ़ते जाएंगे वो यहां पर ड्रॉ करते जाएंगे. ये है मेरा एक ट्रायंगल एबीसी. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. तो ये ट्रायंगल में बीसी को पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया जो मेरे दोनों साइड को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है. लेट्स टेक दिस पॉइंट एज डी एंड दिस पॉइंट एज ई. फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर हुआ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स तक का मतलब. अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं पैरेलल किसी एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को, तो बाकी दो साइड को वो दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है एंड दैट टू पॉइंट्स इज डी एंड पॉइंट ई. अब द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. अगर आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो आपका जो ट्रायंगल है इसके ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे. यानी कि आप लोगों को प्रूफ करना है ये टू साइड्स दो पार्ट्स में डिवाइड, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये आपको करना है प्रूफ. समझिए वापस से एक और बार. इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides at two distinct points. Agar main ek line draw karta hu parallel triangle ke baki do sides ko intersect karta hua, to ye do sides ke jo do parts banenge inka ratio kaisa hona chahiye? Same hona chahiye. Ye aap logo ko karna hai proof. Proof dekhiye bahut easy hai. Proof aap mere pe chhod dijiye. Pehle sirf matlab samajh mein aana chahiye. क्या आपको थियरम क्या कहना चाहता है वो मतलब क्लियर हुआ? Yes, कि अगर ट्रायंगल के अंदर एक लाइन पैरेलल बना दो
तो ये दोनों साइड्स के सेम रेशियो में डिवाइड हो जाने चाहिए. दैट इज द स्टेटमेंट. तो गिवन में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? कैन एनीवन टेल मी गिवन में क्या लिखा जाए? डी इज पैरेलल टू बीसी. परफेक्ट. इन ट्रायंगल एबीसी डीई इज पैरेलल टू बीसी. बराबर. आप इसमें चाहो तो और डिटेलिंग लिख सकते हो. पॉइंट डी इज ऑन ए बी. पॉइंट डी इज ऑन साइड ए बी एंड पॉइंट ई इज ऑन साइड ए सी. चलिए ये तो हो गया गिवन की बात. गिवन को देखते ही हमें पता चल गया कि हमें प्रूफ क्या करना है. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. अब चालू करते हैं हमारा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसके बाद मैं प्रूफ स्टार्ट करूंगा. कंस्ट्रक्ट हमें यहां पे कुछ ऐसा करना है कि ए डी के ये पूरी की पूरी साइड दिख रही है ए बी, इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा फ्रॉम पॉइंट ई एंड लेट्स नेम दिस पॉइंट एज एन. मैंने ड्रॉ किया है ई एन परपेंडिकुलर ऑन द एंटायर साइड ए बी. सो कंस्ट्रक्ट ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी. पूरे के पूरे ए बी साइड पे पॉइंट ई से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उसी तरीके से पूरे के पूरे ए सी साइड पे पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. इस पॉइंट को मैं नेम दे रहा हूं एम. सो आप स्टेटमेंट कुछ ऐसा लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड इसके बाद जॉइन बी ई एंड डी सी. जॉइन बी ई एंड डी सी. चलिए एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए पूरी चीज. वापस से मेरे जो ये दो साइड्स थे ट्रायंगल के ए बी एंड ए सी, इनके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम दैट इंटरसेक्शन पॉइंट. पॉइंट ई से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है ई एन. पॉइंट डी से ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है डी एम एंड ज्वाइन कर दीजिए बी ई को एंड डी सी को. अब चालू होता है आपका प्रूफ. यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो पूछिए, क्योंकि प्रूफ अब फटाफट एरिया लिखेंगे और आंसर आ जाएगा. पर अगर यहां तक किसी को कुछ डाउट हो तो प्लीज आस्क इट. सर ये तो चैप्टर 9 के सम जैसा लग रहा है फिगर. हां सर तो उसमें वो मिड पॉइंट थ्योरम आने वाला है. तो सर डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम ही लगाएंगे या फिर ये ये वाला थ्योरम यूज करना पड़ेगा? मिड पॉइंट थ्योरम में तो हम स्पेसिफाई कर देते ना कि ये मिड पॉइंट है. बराबर. चलिए तो एवरीवन क्लियर विद दिस कंस्ट्रक्ट स्टेप? गिवन समझ में आ गया, टू प्रूफ समझ में आ गया, कंस्ट्रक्ट समझ में आ गया. अब चलते हैं प्रूफ पे. सर आप रिकॉर्डिंग देने वाले हो इस चैप्टर के? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा ना. तो कह रहा इंटरनेट कनेक्शन. नो प्रॉब्लम. चलिए सो अब मैं चालू कर रहा हूँ प्रूफ. बहुत ध्यान से देखिएगा, इजी है. छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने. पहले मैं ये वाले साइड पे फोकस कर रहा हूँ ए बी पे. ए बी साइड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ए डी एंड डी बी. तो पहले ए डी ई. आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल ए डी ई. कैन एनी वन टेल मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई? हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन. हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन. ये एरिया लिखना ही है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ में आ गया ना फिर तो ये थियोरम बहुत ईजी है. वैसे ही नीचे वाला साइड है डी बी, तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो है डी ई बी. क्या आप लोग मुझे ट्रायंगल बी डी ई का एरिया बता सकते हो? हाफ बी डी इंटू ई एन. हाफ बी डी इंटू ई एन. एब्सोल्युटली परफेक्ट. जो हमने वो एग्जाम्पल मैंने जो आपको लिया था फिगर वाला, ऐसा वाला सेकेंड एग्जाम्पल जो मैंने आपको करवाया एरिया ढूंढने वाला, देखिए एग्जैक्ट वही चीज हमने किया. यहाँ पे सबसे पहले ये ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया लिख दिया, फिर उसके बाद ये नीचे वाले ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया लिख दिया,
क्लियर द डिस्टेंस ट्रायंगल का नेम रिपीट करोगे एक है ये ऊपर वाला ट्रायंगल ए डी ई एंड दूसरा है ये ट्रायंगल बी डी ई नीचे वाला कोई डाउट अब इसमें इसी तरीके से जैसे आपने ये एरिया निकाला वैसे ही दूसरी वाली साइड के भी आपको एरियाज के रेशियोज लेने पड़ेंगे बट फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक पहुंचने के बाद है ना लेट्स नेम दिस एज ये दो एरियाज जो आए हैं इनका अब रेशियो लो वन एंड टू का सो आई एम डिवाइडिंग बोथ ऑफ देम एंड फाइंडिंग द रेशियो सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई इनका रेशियो क्या आएगा हाफ ऑफ कट ई एन कट ए डी अपॉन बी डी आया आफ्टर फाइंडिंग द एरियाज ऑफ दिस टू पार्ट डिवाइडेड यानी कि रेशियो ले लीजिए तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा इसी तरीके से अब राइट साइड में मैं करने वाला हूं देखिए ध्यान से राइट साइड में जो मेरे दो पार्ट्स हैं वो है ए ई एंड ई सी ए ई वाला बेस का ट्रायंगल होगा ए डी ई सो कैन एनीवन टेल मी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई हाफ ए ई इनटू डी एम हाफ ए ई इनटू डी एम देखिए आपने है ना फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी ए डी ई का एरिया ढूंढा पर यहाँ पे आप बेस क्या चाहते थे AD तो बेस के ऊपर एल्टीट्यूड आएगा EN सेकंड वाले साइड पे आप बेस क्या ले रहे हो AE तो एल्टीट्यूड भी यही पर होना चाहिए ना DM सो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड अगर AD लेते हो बेस तो EN होगा एल्टीट्यूड AE लेते हो बेस तो DM होगा एल्टीट्यूड ये आ चुका है एरिया ऊपर वाले ट्रायंगल का क्या अब आप लोग मुझे ये DEC ट्रायंगल का एरिया बता सकते हो इसको मैं ले लेता हूं 4 एंड आई एम टेकिंग दिस एज 5 नाउ टेक द रेशियो ऑफ दिस टू एरियाज आल्सो एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ डी ई सी इसका आंसर आएगा ए ई अपॉन ई सी क्लियर यहां तक कोई डाउट है yes, यहां तक किसी को तो पूछो नो सर देखिए बहुत दो दो ही पार्ट्स है यहाँ पे एक ये वाला साइड के दो पार्ट्स के एरियाज लो रेशियो ले लो फिर दूसरे वाले साइड के दो पार्ट्स का एरिया लिखो और उनका रेशियो ले लो यहां तक पहुंचने के बाद जरा देखो क्या आपको ये दो पार्ट को इक्वल प्रूफ करना है हाँ सर प्रूफ क्या है टू प्रूफ में आपको क्या चाहिए ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी AD upon DB is equals to AE upon EC. ये दोनों को equal proof करना है ये दोनों equal कब होंगे जब ये दोनों equal होंगे ये दोनों में देखिए ADE and ADE तो common है तो किसको equal proof करना है आपको BD and DEC. BDE and DEC. क्या can you spot the triangle BDE and DEC in this figure? सर मिल गया equal कैसे? सर maybe. BDE is this triangle. DEC is this triangle. अगर मैं ये दो triangles को ही equal proof कर दूं, तो मेरा काम आ जाएगा. Triangles on same base have. Perfect. Two triangles on the same base and between the same parallels will have equal area. The theorem which you have studied in the chapter 9 areas of parallelogram and triangles के अंदर. देखिए वो theorem use हुआ है यहाँ पे. Triangle BDE एंड ट्राइंगल DEC को इक्वल मुझे प्रूफ करना था तो आप देख सकते हैं इस फिगर में कि दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे हैं, बोथ द ट्राइंगल्स आर बिटवीन द सेम पैरेलल्स, तो दोनों का एरिया क्या होगा इक्वल सो यू विल राइट लाइक दिस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE आर ऑन द सेम बेस पूरा का पूरा स्टेटमेंट एज इट इज लिख दीजिए आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स एंड बिटवीन द सेम पैरेलल सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई
ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी को, इसको नेम दे दीजिए 7. एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, नेम दिस एज 7. अब ये एरियाज इक्वल हो चुके हैं, यानी कि इन दोनों में जो चीज कॉमन नहीं थी वो इक्वल है. तो अब आप लिखेंगे क्या, स्पेस नहीं है इसके लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं. नाउ यू विल राइट देयरफॉर फ्रॉम ये रेशियो 3, दिस रेशियो 6 एंड दिस रिलेशन 7, यू कैन डायरेक्टली राइट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी. हो गया आपका प्रूफ. एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव मेड द एरिया इक्वल बिकॉज दे आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. फिर फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो एंड ये एरिया का रिलेशन, ये तीनों को कंपेयर करके आप ये रिलेशन को प्रूफ कर सकते हो. डायरेक्टली आप यही लिख दीजिए, आपका थियरम खत्म. So yes everyone, kindly note it down. This is the very important theorem जो board exam में almost हर साल पूछा जाता है. This theorem is known as basic proportionality theorem. पहले आप लोग ये लिख दीजिए, फिर मैं इसके नाम के बारे में भी बता देता हूँ कि इसको क्या क्या theorem बोला जाता है. I hope so कि आप लोगों को ये theorem समझ में आ गया होगा. तीन parts में आपको solve करना है. पहला part ये ratio वाला, दूसरा part दूसरे side का ratio, तीसरा पार्ट ये एरिया का कंपैरिजन, एंड दैट्स इट, योर प्रूफ इज डन. नोट इट डाउन एवरीवन, कम ऑन. एंड अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछिए. सर. Yes, Muskan, बोलो. सर, हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में बेस डीई क्यों नहीं लिया? ऊपर वाले ट्रायंगल में एडीई में देखो, मुझे रेशियो में क्या क्या चाहिए, एडी चाहिए, डीबी चाहिए, एई चाहिए, ईसी चाहिए. तो मेरा मेन प्रेफरेंस ही इन्हीं साइड पे जाना चाहिए. अगर मैं डीई ले लूंगा, बट व्हाट इज द पर्पस, क्या डीई हमें प्रूफ में जरूरत है? हमें जो चीज प्रूफ करनी होती है ना, हम मेनली उन्हीं के ऊपर फोकस लेके उन्हीं साइड्स को कंसिडर करते हैं. हमें जब ये साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना है तो हम इन्हीं को बेस ले लेंगे. ओके, चलिए, हो गया सबका लिख के? नहीं सर, स्टार्ट किया लिखो. अरे फटाफट लिखो, अभी इसके दो एक्सटेंशन करवाने और फिर इसका कन्वर्स करवाना है. सर, इसके कन्वर्स में इफ उल्टा होगा, पर अभी फिलहाल उसके बारे में मत सोचो. वहां पे मैं पहुंचूंगा तो करवाऊंगा, अभी के लिए फिलहाल ये खत्म कर लो. और इसके बाद दो एक्सटेंशंस आने वाले इसके. कर्मश, हो गया लिख के? वेरी गुड. देवाशीष, डन? ओके. यस देवांशी, लिख लिया आपने? समझ में आ गए थ्योरम पूरा? एक्सप्लेन करने बोलूंगा कर सकते हो? कर सकते हो तो नहीं बोलूंगा, नहीं कर सकते होते तो बोलना पड़ता. यस मिश्री, योर कैमरा इज ऑफ. लगता है मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से. सर, कैमरा नहीं चल रहा इसीलिए. अच्छा, तो ऐसा बोलो, आपको समझ में आ गया थ्योरम? वेरी गुड. यस, कौन बोल रहे? आर्या. यस आर्या, बोलो. आपने जो एरिया ऑफ एडी अपॉन एरिया ऑफ डीईसी किया, वहां से वापस समझाओ ना. एरिया ऑफ एडी अपॉन डीईसी, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद समझाऊ? हाँ. देखो, अब हमें इन दो रेशियोज को इक्वल प्रूफ करना था. ये दो इक्वल तब होंगे जब ये दो इक्वल होंगे. ये दो रेशियो में एडीई एंड एडीई कॉमन है,
तो अगर मैं बी डी ई एंड डी ई सी को इक्वल प्रूफ कर दूं, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं कि ये दोनों रेशियो सेम है. तो मेरा फोकस गया बी डी ई पे एंड डी ई सी पे. बी डी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस एंड सेम पैरेलल के बीच में है. दैट्स द रीजन कि मैंने लिख दिया ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम. एरिया सेम एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस टू रेशियोज, यानी कि ये तीनों पॉइंट से मैं लिख सकता हूं कि ये रेशियो सेम होंगे. चलिए, लिख के हो चुका है आप लोगों का, तो अब मैं इस पूरे थियरम को समराइज करने जा रहा हूं. ध्यान से देखिएगा यहां पे. द थियरम इज, स्टेटमेंट थियरम का कुछ ऐसा है कि अगर एक ट्रायंगल है आपके पास एंड इसके अंदर अगर आप एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करते हो पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड बाकी के दो साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा हो. अगर आपको ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल लाइन मिलती है इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स, तो आप लिख सकते हो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. ये रेशियो तभी लिख सकते हो जब DE पैरेलल होगा BC को. एंड इस थ्योरम को हम बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. क्या बोल रहे हो? ये वाला थ्योरम, मतलब ये वाला जो आपने समझाया भी वापस से रिपीट करो. इफ इन अ ट्रायंगल यू हैव वन साइड पैरेलल टू बीसी, डीई मैंने कंस्ट्रक्ट किया पैरेलल टू बीसी, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम कह सकते हैं कि ये दोनों रेशियो एडी अपॉन डीबी will be equal to AE upon EC. And ये तभी लिखा जब हमारे पास ये parallel था. And ये theorem को बोलते हैं basic proportionality theorem, also known as Thales theorem. Also known as Thales theorem. ये दोनों चीज important है. सर किसी भी triangle में ऐसा होगा? अगर ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन है तो वो ट्रायंगल कोई भी हो, ऐसा देखो ऑब्ट्यूज एंगल वाला भी ट्रायंगल हो तो भी ये थ्योरम वैलिड है. ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है डी ई जो कि बी सी को पैरेलल है, तो आप लिख सकते हो ए डी अपॉन डी बी का रेशियो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी से. तो ट्रायंगल का लिमिटेशन नहीं है, एक ही कंडीशन आपको देखनी है कि आपका वो लाइन पैरेलल होना चाहिए बेस को. अगर पैरेलल है तो आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये रेशियोज लिख सकते हो. क्लियर एवरीवन नाउ विद दिस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम. ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं. कोई डाउट इसमें? यस एनीवन, एनी काइंड ऑफ डाउट? नो सर. Okay, so now we will be heading towards the two extensions. इसी theorem के और दो parts हैं. ये दोनों parts हैं ना, आपको मैं जो points लिखवाऊंगा वो याद रखने हैं. Okay, तो चलिए देखते हैं ये दोनों extension को. ये extension है आपके theorem BPT, यानी कि basic proportionality theorem का extension. Extension क्या है पहले वो समझेंगे, फिर करेंगे proof. Everyone pay attention on the screen. This is the triangle ABC. DE is parallel to BC. Question mein diya hua hai DE is parallel to BC. And aap logo ko proof karna hai. Jo do extension ki main baat kar raha hu usme se first extension. Ye likhne se pehle I will ask you ki BPT ka ratio kya hoga yahan pe, wo bataiye pehle mujhe. Is triangle mein BPT ka ratio. हमेशा है ना एक ही चीज याद रखिएगा कि ये जो ट्रायंगल है ना ये पहाड़ है. गुजराती में हम पहाड़ को क्या बोलते हैं? डूंगर. डूंगर है ये, डूंगर की ये टोची. आप पहुंच गए हो टॉप पॉइंट पे,
अब उतरने के दो ही रास्ते हैं, या तो आप यहां से उतरोगे या तो यहां से। तो कभी भी ट्रायंगल वाले क्वेश्चन में डूंगर के टॉप पॉइंट पे पहुंच जाओ और वहां से उतरने के दो रास्तों को लिख दो। वही होता है बीपीटी। एडी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। ये तो बात हो गई बीपीटी की, पर पहला एक्सटेंशन का मतलब समझिए। पहला एक्सटेंशन है एडी, यानी कि ये टॉप वाला पार्ट अपॉन एंटायर साइड ए बी, ये इक्वल होना चाहिए दूसरे साइड के टॉप वाले पार्ट से अपॉन एंटायर साइड ए सी। दिस इज योर फर्स्ट एक्सटेंशन जो अभी हम प्रूफ करने वाले। पहले आप सिर्फ ये समझिए कि मैं लिख कैसे रहा हूं। सेकेंड एक्सटेंशन, फर्स्ट एक्सटेंशन टॉप वाले पार्ट को डील कर रहा था, सेकेंड एक्सटेंशन बॉटम वाले को डील करेगा। तो लेफ्ट वाले साइड का बॉटम पार्ट है डीबी, डीबी अपॉन एंटायर साइड ए बी इज इक्वल्स टू राइट साइड का बॉटम पार्ट ई सी अपॉन एंटायर साइड ए सी। सो आर यू ऑल क्लियर कि मैंने ये दोनों एक्सटेंशन किस तरीके से लिखे। फर्स्ट एक्सटेंशन में टॉप पार्ट अपॉन होल इज इक्वल्स टू टॉप पार्ट अपॉन होल, सेकेंड एक्सटेंशन में बॉटम पार्ट अपॉन होल साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड बॉटम पार्ट ई सी अपॉन एंटायर साइड। यानी कि फर्स्ट एक्सटेंशन, जस्ट अ मिनट, फर्स्ट एक्सटेंशन एडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी, सेकेंड एक्सटेंशन डी बी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए सी। कैसे लिखा वो समझ में आना चाहिए आपको। अब मैं प्रूफ करवाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि ये इक्वल क्यों होता है। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको रिजल्ट लिखवाया। यस सर, इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डी और ई मिड पॉइंट्स है। डी और ई मिड पॉइंट्स है, इससे ये कंक्लूड नहीं हो सकता। उसको कंक्लूड करने का रीजन अलग होता है। वो क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे वहां पे। ठीक है, चलिए। रेशियोज इक्वल होने से, अगेन रेशियोज इक्वल होना डजंट मीन कि वो मिड पॉइंट है, बराबर। सॉरी सर, मिड पॉइंट नहीं, एडी इक्वल्स टू डीबी एंड ए इक्वल्स टू ईसी, ये हम इससे कंक्लूड नहीं, इनके रेशियोज इक्वल है। देखो जैसे कि 4/6 का आंसर क्या आता है, 2/3, फ्रैक्शन में ही चाहिए मुझे, 2/3 आ रहा है, 2/3, यस सर। ठीक है, तो 12/18 का आंसर क्या आ रहा है, 2/3। क्या ये वैल्यू सेम है? नो सर, बट फ्रैक्शन का आंसर सेम आ रहा है। यस सर, सो फ्रैक्शन का आंसर सेम आए, इट डजंट मीन कि उनके न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, बराबर। चलिए, ये एक्सटेंशन अब प्रूफ कैसे करना है वो सुनो। फर्स्ट एक्सटेंशन को प्रूफ करने के तीन स्टेप्स हैं। वो समझ नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया प्रियांश सर? वो एडी अपॉन एबी ऐसा होल ऐसा करके क्या लिखा है? ये लिखा इसके लिए है क्योंकि ये रिजल्ट्स जस्टिफाई करने वाले हैं और इसको हम यूज करेंगे एप्लीकेशन पर्पस पे। तो अब ये इक्वल क्यों है वो अब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ, वी कैन राइट इट इक्वल दिस रेशियोज एज। सो फर्स्ट एक्सटेंशन प्रूफ करने के तीन स्टेप्स हैं। आई एन वी का मतलब है इनवर्स, फिर सेकेंड स्टेप है प्लस वन करना, एंड थर्ड स्टेप है वापस से इनवर्स करना। सेकेंड एक्सटेंशन को अगर आपको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ करने के सिर्फ दो स्टेप्स, एड वन कर दो एंड फिर इनवर्स कर दो। अब समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे पता है कि ये ट्रायंगल में साइड डीई जो है, लाइन डी जो है वो पैरेलल है बीसी को। पे अटेंशन एवरीवन, मैं फर्स्ट वाला एक्सटेंशन प्रूफ कर रहा हूं। इफ डीई इज पैरेलल टू बीसी, सो बाय बीपीटी आई कैन राइट एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। कैन आई राइट लाइक दिस बाय बीपीटी? बिकॉज द लाइन इज पैरेलल। सबसे पहला स्टेप है इनवर्स, तो इनवर्स कर दीजिए इसको। डीबी अपॉन एडी is equals to EC upon AE. Second step है add one करना, दोनों साइड add one कर दो। DB upon AD plus one
is equals to EC upon AE plus 1. Now take LCM. DB plus AD upon AD is equals to EC plus AE upon AE. Can anyone tell me what is DB plus AD? AB. Upon AD. And EC plus AE kya hoga? AC. AC upon AE. देखिए दो स्टेप्स आप कब कर चुके हो, इन्वर्ट एंडो एंड एड वन. अब वापस से इनवर्स करना है तो इनवर्स होगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी. यही प्रूफ करना था आपको फर्स्ट एक्सटेंशन में. आ गया रिलेशन कि अगर लाइंस पैरेलल होंगे तो आप बीपीटी तो लिख ही सकते हो, पर बीपीटी के साथ साथ आप ये रेशियो को अभी यूज कर सकते हो. एंड ये रेशियो है टॉप साइड अपॉन होल इज इक्वल्स टू टॉप पार्ट अपॉन होल साइड. अभी के लिए सिर्फ ये रिजल्ट्स याद रखो, सम्स में यूज करवाऊंगा मैं ये सारी चीजें. यही चीज अब सेकेंड एक्सटेंशन के लिए प्रूफ करेंगे. सेकेंड एक्सटेंशन में भी यही कंडीशन है कि DE पैरेलल है BC को. तो वापस से इफ DE इज पैरेलल टू BC तो BPT से आई कैन राइट AD अपॉन DB is equals to AE upon EC. I can write like this. अब second extension के लिए सिर्फ दो ही step है. Add one करना है and invert endo करना है. तो सबसे पहले add one कर देते हैं. AD upon DB plus 1 is equals to AE upon EC plus 1. Take LCM. AD plus DB upon DB is equals to AE plus EC upon EC. AD plus DB का आंसर आएगा AB upon DB is equals to यहां पे आएगा AC upon EC. Add one करने के बाद inverse DB upon AB is equals to EC upon AC. आ गया second extension का भी proof. ये proof का reason मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाने वाला हूं कि ये proof करवाया मैंने, अब इसको use कैसे करना है. First of all, everyone, just write down these two extensions. First extension and second extension. फिर मैं ये पूरा का पूरा BPT and ये दोनों extension को summarize करूंगा. And वो चीज समझना ज्यादा important है. ये तीन steps first extension के and ये दो steps second extension के. ये याद रखना पड़ेगा आपको. Note it down, come on, 2 minutes. इसके बाद summarize करूंगा and फिर second theorem पे जाने वाले हैं हम, converse of BPT. हो गया लिख के? नहीं सर. यस सर. 1 minute मोर. आयुष डन? ओके. यस मृद्वी हो गया लिख के? ओके गुड. चलिए सो अब मैं इस पूरी चीज को समराइज करने वाला हूं. पे अटेंशन एवरीवन. आपने टोटल तीन चीजें पढ़ ली है एंड वो तीन चीजों को अब सम में कैसे यूज करेंगे वो देखिए. अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है एक ट्रायंगल
पी क्यू आर एंड इस ट्रायंगल के अंदर बोला गया है कि यू हैव अ लाइन विच इज पैरेलल टू क्यू आर एंड दिस लाइन इज एस टी. बराबर क्वेश्चन में दिया है एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर. तो अगर ये कंडीशन आपको दिखती है किसी भी ट्रायंगल में आप किन किन रिजल्ट्स को यूज कर सकते हो. सबसे पहला बीपीटी का रिजल्ट आप यूज कर सकते हो, दैट इज पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन टी आर. मान लीजिए ये चार साइड्स में से तीन की वैल्यू दी हो, चौथा अननोन हो, क्या आप ये फॉर्मूला यूज करके ढूंढ सकते हो अब उस अननोन की वैल्यू? Yes, sir. देखिए ये एप्लीकेशन मिलता जा रहा है अब आपको. अब मान लो फर्स्ट एक्सटेंशन यूज कर रहा हूं मैं. फर्स्ट एक्सटेंशन होता है टॉप साइड अपॉन होल इज इक्वल्स टू टॉप अपॉन होल साइड. सो पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी आर. पी एस अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी आर. अगर मान लो इस ट्रायंगल में आपके पास कुछ वैल्यूज दी गई है जिसमें है पी एस पी टी पी क्यू, आपको ढूंढना है पी आर. ये पूरी की पूरी साइड की लेंथ ढूंढनी है. आप कौन सा वाला रिलेशन यूज करोगे? अब यू विल यूज द फर्स्ट एक्सटेंशन. या तो पी क्यू दिया है बराबर, पी आर दिया है एंड पी एस दिया है, आपको ढूंढना है पी टी. कैन यू यूज दिस रिलेशन? बराबर. यस सर. वैसे ही सेकंड एक्सटेंशन है आपका बॉटम साइड अपॉन होल इज इक्वल्स टू बॉटम अपॉन होल. तो यहां पे एस क्यू अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू टी आर अपॉन पी आर. अब इसको भी यूज करने के अपने रीजंस होंगे. अगर आपको मान लीजिए एस क्यू ढूंढना है, कुछ वैल्यूज दी गई है, आप कौन सा रिलेशन यूज कर सकते हो? यू कैन यूज द सेकेंड एक्सटेंशन. ये तीन रिजल्ट्स मैंने जो आपको दिए, अब क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आना चाहिए कि इन तीन में से कौन से रेशियो का यूज करना है. ठीक है, वो डिसीजन आपको लेना है. मैंने आपको रिजल्ट्स दे दिए हैं कि रीड कीजिए क्वेश्चन को. जो चीज पूछी गई है वो आंसर क्या आपको बीपीटी दे सकता है, या आपको फर्स्ट एक्सटेंशन दे सकता है, या तो वो आंसर आपको सेकंड एक्सटेंशन दे सकता है. चूज कीजिए अपना एप्रोप्रिएट मेथड एंड वो रेशियो यूज करके आप आंसर ढूंढ सकते हो. क्लियर नाउ कि ये जो तीन चीज मैंने करवाई ये कहां यूज होगा और कैसे यूज होगा? फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट बीपीटी एंड इट्स टू एक्सटेंशंस. अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं सेकेंड थियरम पे, दैट इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी, जो कि एग्जैक्टली उल्टा होगा. पहले मतलब समझाऊंगा मैं, फिर आपको थियरम पे लेके जाऊंगा. पहले समझिए यहां पे सब लोग फटाफट. बीपीटी कहता है कि अगर लाइन पैरेलल तो रेशियोज इक्वल, अगर लाइन पैरेलल तो ही रेशियोज इक्वल होंगे. तो बताइए कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता होगा? रेशियोज इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल. अगर रेशियोज इक्वल होंगे ट्रायंगल में तो ही आप कह सकते हो कि वो लाइंस पैरेलल होंगे. यानी कि अगर मैं लेता हूं ये ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ये मैंने लाइन ड्रॉ की है डी ई, मुझे नहीं पता ये बेस को पैरेलल है कि नहीं है, आई डोंट नो दैट, बट आई नो दैट द रेशियोज आर इक्वल. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ये रेशियोज इक्वल है. AD upon DB is equals to AE upon EC. अगर रेशियोज इक्वल है तो कन्वर्स ऑफ BPT से आप क्या कह सकते हो कि DE लाइन पैरेलल है BC को? BPT में क्या कहते थे? अगर DE BC को पैरेलल होगा तो रेशियोज इक्वल होंगे. एंड कन्वर्स में आप क्या करोगे? अगर रेशियोज इक्वल होंगे तो लाइंस पैरेलल होगी. रिजल्ट आप जान चुके हो, अब प्रूफ पे चलते हैं. सो एवरीवन ओपन द पेज नंबर 126 जहां पे लिखा हुआ है थ्योरम 6.2. यस देवाशीष, कैन यू प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 6.2. द
यस सर. If a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. Okay. The statement is, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, तो ये है आपका triangle. The triangle is ABC. ये है वो line जो मेरे दोनों side को same ratio में divide कर रहा है. तो गिवन में आई कैन राइट लाइक दिस, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ये दिया हुआ है मुझे क्वेश्चन में. देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. सो देवाशीष, क्या मुझे ये प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी को? यस सर. तो चालू करें प्रूफ. यस सर. This theorem is known as converse of basic proportionality theorem, converse of BPT. इसका प्रूफ बहुत इजी है, ध्यान से समझिए, एक ही बार में दिमाग में सेट हो जाएगा, वैसा है. इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने वाले हैं. कंस्ट्रक्ट डी एफ पैरेलल टू बी सी. Construct a line DF parallel to BC. मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की है DF, ये लाइन BC को पैरेलल है. तो अगर लाइन DF BC को पैरेलल है इन ट्रायंगल ABC, तो क्या मैं अब BPT यूज कर सकता हूं? अगर मैं BPT यूज कर सकता हूं तो बताइए मुझे मैं क्या रेशियोज लूंगा यहां पे. क्योंकि आपका लाइन के दो इंटरसेक्शन पॉइंट है डी एंड एफ, तो यही दो पॉइंट से आपके रेशियोज डिवाइड होंगे. ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन सी एफ. यहाँ पे आप लिख दो बाई बीपीटी. पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है? AD upon DB is equals to AE upon EC दिया है क्वेश्चन में. तो यस और नो? यस सर. AD upon DB इसको भी इक्वल है, AD upon DB इसको भी इक्वल है. सो फ्रॉम वन एंड टू कैन आई राइट लाइक दिस कि AF upon CF is equals to AE upon CE. AD upon DB इसको भी इक्वल, AD upon DB इसको भी इक्वल, तो ये दोनों रेशियोज भी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं सर. बस अब यहां तक डाउट नहीं है ना, तो आगे तो बहुत इजी. एड वन कर दो एंड टेक एलसीएम. एड वन ऑन बोथ साइड्स एंड टेक एलसीएम. सो AF upon CF प्लस वन is equals to AE upon CE plus 1. AF plus CF upon CF is equals to AE plus CE upon CE. What is AF plus CF? AC. Perfect. Similarly, what is AE plus CE? AC. Can I cancel AC, AC from both the sides? तो हमें मिलेगा क्या? CE is equals to CF मिलेगा. अब देखिए, पॉइंट C से E का डिस्टेंस इक्वल है पॉइंट C से F तक के डिस्टेंस से. क्या ये पॉसिबल है? C से E का डिस्टेंस एंड C से F का डिस्टेंस सेम है, कब पॉसिबल होगा ये? कोइंसिडेंट पॉइंट्स. जब पॉइंट E एंड पॉइंट F कोइंसाइड करेगा तभी तो ये केस पॉसिबल है. CE is equals to CF. अब आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, मेरे पास यहाँ पे जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट E एंड F कोइंसाइड. अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, हमें पता है कि DF BC को पैरेलल है, सो क्या मैं ये मान सकता हूं DE भी BC को पैरेलल है? आ गया आपका प्रूफ. खत्म.
सर यहाँ पे जब आपने from 1 and 2 के बाद AF upon CF equals AE upon CE लिखा तो उसके बाद ही नहीं लिख सकते E and F coincide. पर क्या यहाँ पे आप reason, वो आप reason क्या दोगे यहाँ पे? यहाँ पे कैसे मान सकते हो आपकी CF equal to CE है? यहाँ पे ratios है. Ratios में numerator, numerator and denominator, denominator same हो, it's not necessary. अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले वो example दिया था. ठीक है, सो इसके लिए हमने यहाँ पे एड वन करके ये इनको कैंसल किया और उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे एंड बाय दिस वी हैव रिटन द रीजन कि ये तभी पॉसिबल है. सी से ई का डिस्टेंस एंड सी से एफ का डिस्टेंस इक्वल तभी होगा जब ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करेंगे एंड इफ दे आर कोइंसाइडिंग, अगर डी एफ पैरेलल है तो डी ई भी पैरेलल होगा. हो गया प्रूफ. So this is one more important theorem, that is converse of BPT. 5 theorem में से आप लोग 2 theorem समझ चुके हो, 3 theorem अभी भी बाकी है. So इन 2 theorems की अच्छे से practice कीजिएगा. This is really important.